नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय तक ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ में संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारतीय न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम दो तिहाई संपत्ति या संपत्ति संबंधित विवाद से जुड़े होते हैं। दरअसल संपत्ति पर अक्सर परिवार में झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। ऐसे में संपत्ति के उत्तराधिकार का मसला बेहद अहम है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्ध और जैन और सिखों पर लागू होता है। ये उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, और साथ ही उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए या फिर मां बाप की शादी के बिना पैदा भी हुए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिम और साथ ही ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारी को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके निजी कानून हैं। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े मौत हो जाती है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर करता है। तो ये थी प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी हुई बुनियादी जानकारी। संपत्ति ट्रांसफर के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे आज साथ जुड़ेंगे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मनीष रोहिल्ला जी। मनीष जी, आपको संपत्ति से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, और अगर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि उनसे सवाल शुरू करें, आपको बता दें कि अगर आपका संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके बकायदा कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 और दूसरा नंबर है 8377009636, यानी कि 7065013841 और दूसरा नंबर है 8377009636। दोनों में से किसी भी नंबर को डायल कीजिए और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी हुई अगर कोई भी कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी एक नंबर को डायल करके बकायदा वो कानूनी सलाह ले सकते हैं। जहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए हमारे खास मेहमान मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एक शब्द है जिसको बकायदा अक्सर लोग सुनते भी हैं लेकिन सरल तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो एक बार आप सरल भाषा में बताएंगे कि आखिर ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर सही डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इसकी? अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि यह एक अचल संपत्ति के बारे में कानून है। अचल संपत्ति वह संपत्ति है जो कि जमीन से जुड़ी हुई संपत्ति है। अचल संपत्तियां जैसे कि हमारे सोना, चांदी, पैसे, खाते में पैसे होते हैं, इन चीजों को हम चल संपत्ति बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली बात करती है सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति के बारे में जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक आदमी दूसरे आदमी को प्रॉपर्टी बेचता है या सामने वाला उससे प्रॉपर्टी लेता है, जमीन लेता है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। इसके अंदर फिर बात ये आती है कि कौन किससे ले सकता है, कितनी क्या क्या इसकी जरूरतें हैं, कितनी सक्षमताएं होनी चाहिए और इसकी कागजी कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए। बिल्कुल अगर सही माने में देखा जाए तो यही एक कानूनी परिभाषा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर। अब जो इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं वो भी हम आपसे पूछना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शकों को इस बाबत जानकारी भी मिल सके। ये एक सवाल उठता है कि क्या अगर बेटी शादी के बाद पिता की संपत्ति पर क्या दावा कर सकती है, क्या बेटी का अधिकार होता है पिता की संपत्ति पर? सबसे पहली चीज प्रियंका जी इसके अंदर ये आती है कि 2005 के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर संशोधन कर दिए गए थे और उसके बाद लड़कियों को लड़कों के बराबर के हक दे दिए गए थे, तो बेटी का भी उतना ही हक हुआ जितना कि बेटे का हक है। और लड़की अगर पिता के एक्सपायर होने के बाद या पिता के एक्सपायर होने से पहले, इन दो चीजों के अंदर बेटी अगर पिता के जीते जी पैतृक संपत्ति के अंदर बराबर की हक का अधिकार रखती है अपने दादाजी वगैरह की प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे कि उसके भाई का हक है, और पिता के एक्सपायर होने के बाद अगर वो बिना वसीयत के जाते हैं तो बेटी का भाई के बराबर अधिकार रहेगा और यह अधिकार शादी के बाद भी उतना ही रहेगा जितना कि शादी से पहले रहता है। जी प्रियंका, बिल्कुल। और बेटे की प्रॉपर्टी में माँ के अधिकार के बारे में भी कुछ बताइए कि आखिर जो बेटे की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या माँ का अधिकार होता है? अगर बेटे की प्रॉपर्टी की बात होती है तो माँ जो होती है क्लास वन लीगल हेयर में आती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता है
कि क्लास वन और क्लास टू हेयर क्या होते हैं। क्लास वन हेयर वो हेयर हैं, वो ऐसे उत्तराधिकारी माने जाते हैं जिनका प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे सबसे पहला हक होता है, जिसके अंदर जैसे कि बच्चे, जैसे कि बीवी और वैसे ही माँ भी आते हैं। जी, और ऐसे में क्या जो एक कहा जाता है जो सौतेले बच्चे होते हैं, अगर बेटा जी आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मेरा अगला सवाल यह है कि सौतेले बच्चों के प्रॉपर्टी में अधिकार को लेकर क्या प्रावधान है, किस तरीके के कानून हैं? जी, सौतेला बेटा होता है उसका भी उतना अधिकार होता है जितना कि एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड का होता है। सौतेला बेटा अगर अपने पिता की एक्सपायर होने के बाद प्रॉपर्टी के अंदर हक चाहता है तो सौतेला बेटा भी उतना ही बराबर का हकदार रहेगा जितना की उसका डायरेक्ट लीगल है जो होगा बेटा वो है मास्टर। बिल्कुल, और ये जो लिव इन रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे में लिव इन कपल्स और उनके बच्चों की प्रॉपर्टी के अधिकार के लेकर भी किसी तरीके के कोई कानूनी दाव पेच है क्या? प्रियंका जी, लिव इन रिलेशनशिप पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट दी है और जिनके अंदर ये कहा है कि ऐसी लिव इन रिलेशनशिप जिसकी नेचर मैरिज जैसी हो, जिसके अंदर जैसा व्यवहार रहा हो और जीवन शैली रही हो, काफी समय से लड़का लड़की अगर साथ रह रहे हैं और अगर लड़की कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर पाती है कि उसका शादीशुदा जीवन जैसा ही जीवन था लिव इन रिलेशनशिप में, तो वो मेंटेनेंस भत्ते की अधिकारी रहेगी। यह तो हुई पहली बात। तो जहां तक की बात यह कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कोई लड़की है तो वो अपने हस्बैंड से अपने रहने का, भत्ते का, जीवन यापन का खर्चा मांग सकती है तो हाँ, पर अगर बात होगी पैतृक संपत्ति या फिर एक्सपायर होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के पर्सन के, क्या वो उसकी संपत्ति में अधिकार मांग सकती है, तो कानून इस बारे में स्पष्ट रूप से ना कहता है। फिलहाल अभी जितनी भी अगर व्याख्याएं आई हैं उनके अंदर यही है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की जो है वो भत्ते की अधिकारी तो होगी पर संपत्ति में अधिकारी, अचल संपत्ति के अंदर अधिकारी नहीं होगी। यानी कि अचल संपत्ति के चलते उसका कोई अधिकार नहीं होगा। और अगर जो अगला सवाल यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है, ये पूछा जाता है कि जो पति की पैतृक संपत्ति होती है उसमें क्या महिलाओं का सह स्वामित्व अधिकार हो सकता है? जी, अगर महिलाओं का पैतृक संपत्ति के अंदर स्वतः अधिकार की बात होती है तो हमें यह समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक पैतृक संपत्ति क्या है तो सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो तीन पीढ़ियों से लगातार आपके पास आ रही हो। जैसे कि अगर हम समझें इसको स्पष्ट भाषा आम बताने, तो मेरे परदादा से आई हुई प्रॉपर्टी अगर लगातार बिना टूटे हुए नीचे तक आती है तभी वह पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी। यह एक अवधारणा है कि सीधा पिता से आती प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है, नहीं। पैतृक संपत्ति वही है जो तीन पीढ़ियों से चलती है, जिसे दादा लाई प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर उसके अंदर पत्नी के स्वतः अधिकार की बात होती है तो जब तक पति जिंदा है तब तक वो पहला पिता ही रहेगा। पत्नी उससे जीवन यापन के लिए चीजें मांग सकती है कि पति पैतृक संपत्ति से इतना कमा रहा है, मुझे भत्ते के लिए इतना पैसा मिले, यह एक चीज है। पर पत्नी सीधा जी यहाँ पे मनीष जी, एक सवाल ये उठता है कि अविवाहित माँ और बच्चे के अधिकार क्या हो सकते हैं प्रॉपर्टी में? प्रियंका जी, अविवाहित माँ जो होती है उसके अंदर, अविवाहित माँ के तौर पे अगर हम, मनीष जी से पहले आप जवाब पूरा करें, यहाँ पे नील कुमार हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उन पहले उनका भी एक बार सवाल सुन लीजिए, उसके बाद इस सवाल का जवाब दीजिएगा। नील कुमार जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो जी, पूछू जी, अपना सवाल पूछिए। फादर जी है, फादर की 2010 में हो गई थी मृत्यु, ठीक है ना। हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूरा कीजिए। 2010 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तीन भाइयों ने मिलकर जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो बिना आपने सहमति के बेच दी है, क्या करना चाहिए? जी मनीष जी, मैं सवाल समझ नहीं पाया।
जी यहाँ पे, यहाँ पे जो नील जी हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना यह है कि उनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी 2010 में, और उसके बाद जो उनके तीन भाई हैं उन्होंने बिना सहमति के ही प्रॉपर्टी को लेकर बेच दिया है या फिर आपस में ही समझौता किया है, तो इस बाबत क्या ये पूरी तरीके से सही है, क्या ये हो सकता है, और अगर इस बाबत कुछ कदम उठाना हो तो क्या उठा सकते हैं कानूनी कदम? जी, तो मैं दर्शक को ये सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर उनके पिताजी 2010 में एक्सपायर हो गए थे और अगर उनकी सहमति के बिना उनके भाई ने या फिर परिवारजन ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है या फिर उसको बेचने का वो प्रयास भी करते हैं, तो उसके लिए आप इसके अंदर स्टे ले सकते हैं कोर्ट, क्योंकि चाहे वो पैतृक संपत्ति हो जो की तीन पीढ़ियों से आई हुई संपत्ति हो, या फिर अगर वो सीधा उनकी द्वारा कमाई गई भी संपत्ति हो जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर उनके पिताजी ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी करी थी और अगर वो बिना वसीयत के प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, तो हर बेटे का बराबर का हक रहेगा। और अगर कोई भी बेटा बिना सहमति के किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो यह गलत है, इसके अंदर ये स्टे ले सकते हैं। और उसके अलावा इनको एक और चीज होगी कि इनको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली राइट्स लेके अपने हक में और फिर प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, उम्मीद है कि नील कुमार को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे मनीष जी एक दर्शक और भी थे हमारे साथ जुड़े हुए थे राजा, उनका भी एक सवाल था, उन्होंने सीधे सीधे ये सवाल पूछा था कि जैसे अगर उनकी पहली शादी हुई है, उस पहली शादी से उनका एक बेटा है और उसके बाद जो संपत्ति है बड़े लोगों की जैसे कि दादा की, वो पूरी की पूरी बड़े उस लड़के के नाम हो जाती है जो कि पहली शादी से है, ऐसे में जो दूसरी शादी होती है अगर उससे भी कोई बेटा है तो क्या वो उसमें क्लेम कर सकता है, किसी तरीके का कानूनी जो दावपेच है क्या वो किसी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपर्टी को लेकर? जी, अगर प्रियंका जी कोई आदमी है और उसका एक शादी से पहला बेटा है और उसके बाद दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी से भी कोई बेटा है, तो कानून की नजर के अंदर चाहे लीगल बच्चा हो, चाहे वो सौतेला बच्चा हो, चाहे वो अनलॉफुल इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, हर तरह से बच्चे का बराबर हक रहता है, हर एक का कानूनी हक रहता है। तो अगर पिता है और पिता के बाद कोई भी बच्चे हैं, उन सबका उस संपत्ति के अंदर अधिकार रहेगा। कानून इसके अंदर बड़ा ही लिबरल अप्रोच रखता है और कहता है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है कि वो लॉफुल है, अनलॉफुल है, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है। कानून की नजर में सब बच्चे हैं और सब बच्चे बराबर हैं और वो संपत्ति में अधिकारी रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, इससे पहले जब आप सवाल का जवाब दे रहे थे अविवाहित माँ और बच्चे के अधिकार को लेकर भी, यहाँ पर महेंद्र सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से। महेंद्र जी अपना सवाल पूछिए, एक मिनट मनीष जी, महेंद्र जी सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है महेंद्र जी, सवाल पूछिए। आई एम ओल्ड पर्सन, हैविंग मोर देन 75 इयर्स ओल्ड एज, आई वांट टू ट्रांसफर माय हाउस इन द नेम ऑफ माय डॉटर। ठीक है, हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूरा कीजिए जल्दी से। हेलो, आपकी आवाज मिल रही है महेंद्र जी, आपने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटी के ट्रांसफर करना चाहते हैं, सवाल क्या है आपका उसमें? मेरा सवाल ये है कि मैं अपना मकान अपनी बेटी के नाम कराना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या तरीका है? ठीक है मनीष जी, यहाँ पर ये काफी बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपनी जो घर है उनका, वो अपनी बेटी को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उसके नाम करवाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें करना होगा, ये सवाल है उनका। जी सर, पहली तो चीज ये है कि अगर ये आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खुद से जोड़ी गई प्रॉपर्टी है, तो आप जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं। अगर अपनी बेटी को देना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ब्लड डीड के थ्रू दे सकते हैं, जिसको हम रिलेशन, ब्लड रिलेशन के अंदर होने वाली डीड कहते हैं। और इसके अंदर आप मिनिमम कोर्ट फीस के अंदर ये काम कर सकते हैं, ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आता है, लोकल रजिस्ट्रार के पास जाके आप ब्लड डीड करा सकते हैं अपनी बेटी के हक के अंदर और बेटी पूर्णतः उसकी मालिक हो जाएगी। चलिए महेंद्र जी को, और इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। बिल्कुल, उम्मीद है कि महेंद्र जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मनीष जी, गोद लिए हुए बच्चों का जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो दादा के हो, परदादा के हो या फिर पिता के हो, उसमें क्या अधिकार हो सकते हैं? प्रियंका जी, अगर गोद लिए बच्चे की बात है तो जैसे ही वो गोद लिया जाता है तो जिसके जिसके द्वारा वो गोद लिया जाता है उसका उसका वो उत्तराधिकारी बन जाता है, और जो उसके नेचुरल पेरेंट्स हैं
जो जन्म से पेरेंट्स थे उनके सारे हक से वो हट जाता है। यह कानून के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि एक आदमी दो जगह से नेचुरली बेनिफिट्स ना ले सके, दो जगह से। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही गोद लिया जाता है बच्चा, तो वो पूर्णतः उन्हीं का बच्चा बन जाता है जिन्होंने उसे गोद लिया है, और सारे संपत्ति के हक उस बच्चे के उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होंगे जो कि उसके नए माता पिता जिन्होंने उसे गोद लिया है उनकी प्रॉपर्टी के अंदर होंगे। बिल्कुल, तो यह बड़ा जरूरी है समझना। हाँ, कि कानून ने इसमें स्पष्टीकरण किया है। बिल्कुल, यहाँ पे स्पष्टीकरण कर दिया है कानून ने। मनीष, अक्सर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं जिसमें या तो दहेज को लेकर या फिर अलग अलग मसले को लेकर जो पहली पत्नी होती है उसको जो पति होता है वो घर से बाहर निकाल देता है या उसे छोड़ देता है, तो क्या इस सिचुएशन में भी जो छोड़ी हुई पत्नी है पहले उसकी प्रॉपर्टी में अधिकार है? प्रियंका जी, अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा और प्रावधानों की बात करें जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए गए, इनमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाई गई है 2005, इसके अंदर रेजिडेंशियल ऑर्डर्स का एक प्रावधान है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी पत्नी को घर से मार पिटाई करके या फिर किसी भी वजह से घर से निकाल दिया जाता है, तो वो शेयर्ड हाउसहोल्ड जो कि उसका वैवाहिक घर था, मैट्रिमोनियल होम था, उसके अंदर उसका रहने का हक रहेगा। ये सेक्शन 20 में उसको हक मिलता है। तो एक पत्नी अगर उसको निकाल दिया गया है बच्चों के साथ या बच्चों के बिना, और अगर वो अपने वैवाहिक घर में रहना चाहती है, तो वो उसके अंदर अर्जी लगा के कोर्ट से ऑर्डर करा सकती है, और कोर्ट ये कह सकती है कि ये लड़की इसी घर में रहेगी, चाहे उसको उसी अकोमोडेशन में एक स्पेसिफिक स्पेस दे दिया जाए, अलग एक ऊपर का माला नीचे का कोई भी, तो पर उसको स्पेस दिया जाएगा। और अगर किसी वजह से वो नहीं दिया जा सकता है तो उसको अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, कोई और प्रॉपर्टी उसको रहने के लिए दी जाएगी। यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ है एक ऐसी लेडी के लिए, एक ऐसी पत्नी के लिए जिसे निकाल दिया गया। बिल्कुल, और ये धर्मांतरण का एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। जी 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 जी, अपने अपनी बात पूरी कीजिए पहले, आप एक और चीज बताना चाह रहे थे। हाँ जी, दूसरी चीज, एक और चीज ये थी कि अगर पैतृक संपत्ति में अगर पत्नी चाहे तो वो जीते जी नहीं ले सकती है, चाहे उसे घर से निकाल दिया गया हो, वो सिर्फ रहने का अधिकार मांग सकती है और जीवन यापन का अधिकार मांग सकती है। ठीक है, जीवन यापन का अधिकार होगा और रहने का अधिकार होगा। ठीक है मनीष जी, यहाँ धर्मांतरण का प्रॉपर्टी के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई असर है क्या? अगर धर्मांतरण कोई कर लेता है तो एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स जरूर बन सकता है, पर सिर्फ धर्मांतरण कर लेने से एक पत्नी का अधिकार, पहली बात, वो नहीं बदलता। दूसरी चीज ये आती है, अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बात करें, तो धर्मांतरण करने से एक जो सबसे पहली पीढ़ी है जिसने धर्मांतरण किया है उसके तो राइट्स नहीं बदलेंगे, परंतु उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के बदल जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए एक हिंदू है और वो क्रिश्चियन हो जाता है। हाँ, तो उस वक्त जिसने धर्मांतरण किया है उसके राइट्स में फर्क नहीं आएगा, परंतु उसके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो आउट हो जाएंगी, वो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम से नहीं रेगुलेट होंगे, फिर वो क्रिश्चियन लॉ, पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे। ठीक है, बिल्कुल। हरियाणा से किशन पाल हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन जी, अपना सवाल पूछिए। जी यशपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा से। यशपाल जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। मेरे को मेरा मतलब है कि मेरे पास जमीन है, जमीन के स्थान बना सकूं, तो मेरे को थोड़ी कुछ जमीन मिल गया, थोड़ा मेहनत कर दूं, कुछ कुछ भी कर दूं, कुछ लेकिन ये ऐसा गवर्नमेंट कुछ जगह है। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है यशपाल जी, इस वजह से आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। चलिए फिलहाल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर से संबंधित जानकारी देने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पीएन के साथ।